ऐसे बात नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं जब तक सर पे पल्लू ना ले लूं मैं बात नहीं करती, ऐसा मत करो मेरे साथ कुछ भी है। मैं तुम एक चमक छल्लू मत लगाओ वो पल्लू प्लीज। बेबी वैसे भी हमारी शादी तो न्यूड होने वाली है, भारत में हूँ जब तक भारतीय नारी तो बनके रहने दो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पूरी तरह से अपने आप को पल्लू में ढको डार्लिंग, तुम एक राखी सावंत हो। तो राखी सावंत कौन सी नंगी घूमती है, क्या बात करते हो, पतियों के पतीला कैसे बात करते हो, अपनी बीवी की इज्जत करो थोड़ी। दोनों बच्चे लेना होने वाली, हाँ जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सब यहाँ आए। देखिए क्या है ना कि हमने देखा है पिछले 15-20 दिन से कि आप सब सेलिब्रिटीज के पीछे भागते हैं, हमें फोटो दे दो हमें बाइट दे दो, लेकिन सेलिब्रिटीज आपको भाव नहीं देते। लेकिन तो फिर हम दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम आपके सामने आके आपको भाव दे, इसलिए हम दोनों यहाँ पे आए हैं और हमारी बहुत जल्द शादी होने वाली है। मैं तो आपने तो मुझे हमेशा बोलते हुए देखा है, अब मैं चाहती हूँ कि मेरे वुड भी आपसे बात करें, हमारे लफड़े के बारे में बताएं। डेफिनेटली आप लोग मुझे पूछ रहे हैं कि आप क्या कुछ बोलना चाहते हो, जब बीवी हो राखी सावन जैसी तो दीपक कलाल बोलना नहीं कुछ कुछ करना चाहेगा, क्योंकि राखी बहुत हॉट है और जब मैं उसको पहले टीवी पे देखता था उसके आइटम सॉन्ग्स देखता था तो कभी सोचा भी नहीं था कि राखी जो है वो मेरी हमसफर बनेगी। और जब ये मेरे आइटम सॉन्ग्स देखते थे तब इनके खड़े हो जाते थे रोंगटे पागल। दोस्तों दुल्हन की इज्जत करो थोड़ी, दुल्हन की थोड़ी इज्जत तो करो हैं। राखी प्लीज तुम थोड़ा ढक लोगी क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत हॉनी फील कर रहा हूँ, मतलब मुझे बहुत उफान आ रहा है मेरे जवानी। तुम्हारी नहीं दिख रहे तो मेरा तो दिखने दो। ओके ठीक है। देखो तुम मेरे बिजनेस मेरी दुकान बंद करने की कोशिश ना करो। डेफिनेटली। अच्छा इसके अलावा शादी करने वाले आप लोग वर्जिनिटी टेस्ट भी करवाया था, उसके बारे में कुछ बताइए आप लोग। हाँ हाँ जरा बताओ, इन्होंने करवाया था जसलोक हॉस्पिटल, मतलब इसका भी मैंने वर्जिनिटी टेस्ट करवाया और तुम्हें पता है मतलब आप सोच के पूरे दंग रह जाओगे कि वो वर्जिनिटी टेस्ट में पूरी तरह से पास हो गई। थैंक यू सो मच। कितने पैसे दिए डॉक्टर को? नहीं आई मीन नहीं मजाक का, मतलब मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी राखी बहुत बड़बोली है, बातें तो ढेर सारी करती है लेकिन रियलिटी में वो वर्जिन है, क्योंकि उसने एक इंटरव्यू में पूरा बोलो आगे और पीछे। हाँ दो हमने टेस्ट करवाई आगे पीछे, अभी कल हम लोग ऊपर नीचे के भी करवाने वाले हैं, तो दोनों टेस्ट में राखी जो है वो वर्जिन साबित हुई है और मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे जो दुल्हनियाँ मिल रही हैं वो पूरी तरह से वर्जिन है, क्योंकि इसने एक इंटरव्यू में कहा था कि इसका जो शरीर है वो मंदिर है और मैं पहला पुजारी हूँ जो इस मंदिर की टन टनाटन घंटियाँ बजाने जा रहा हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ मेरी जान। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।